नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है, बहुत से लोग हमको मैसेज करते हैं, टेलीफोन करते हैं, खास करके यूपी साइड के लोग और इधर हमारे बिहार में भी इधर मधुबनी साइड के या सहरसा वगैरह एरिया का, कि भाई हमको जो है सो शॉटगन ब्रिज लोडिंग का लाइसेंस है, उसमें हमको पंप एक्शन खरीदने नहीं दिया जा रहा है। कहता है कि नहीं, उसका जो है सो पब्लिक को नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है, उसके लिए अलग लाइसेंस लेना होगा वगैरह वगैरह। इस ढंग से जो क्लर्क लोग हैं वो परेशान करता है, तो क्या कीजिएगा। ये सिस्टम है, अक्षम लोगों को उस महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया गया है, तो लोग तो परेशान करेगा ही। जानबूझ करके हम लोगों ने जो है सो अक्षम को बैठाया है, पैरवी के बल पर, पैसे के बल पर या हाकिम के दलाली करने के बल पर बैठाया गया है, तो वो अक्षम आदमी अक्षम बात करेगा। तो आज हम कानून की बात कर रहे हैं। आपको जो लाइसेंस मिलता है बंदूक का, वो मिलता है शॉटगन ब्रिज लोडिंग शॉटगन का। उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है सिंगल बैरल, डबल बैरल, घोड़ा वाला, बिना घोड़ा वाला, बीच से टूटने वाला, अंडर लीवर, बोल्ट एक्शन, कहीं कुछ एक्ट में नहीं है। आपको जो लाइसेंस मिलता है वो मिलता है स्मूथ बोर ब्रिज लोडिंग शॉटगन, याद रखिए, इसी चीज का लाइसेंस मिलता है। और ये आर्म्स रूल 2016 के शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है। देखिए, ये है। इतना ही नहीं, और सुनिए, आपको जो राइफल का लाइसेंस मिलता है कहीं नहीं लिखा हुआ रहता है लाइसेंस में बोल्ट एक्शन, डबल बैरल, सिंगल बैरल राइफल, ये सब कहीं नहीं लिखा रहता है। लाइसेंस जो मिलता है ब्रिज लोडिंग सेंटर फायर राइफल, ब्रिज लोडिंग सेंटर फायर राइफल, तो बोल्ट एक्शन काहे चढ़ा देता है, ये पूछने की बात है उसको। तो जब ब्रिज एक्शन का मतलब ये लोग कंफ्यूजन में समझता है तोड़ने वाला। दुनिया में दो ही तरह का हथियार होता है, एक मजल लोडर, दूसरा ब्रिज लोडर, तीसरा सेमी ऑटोमेटिक, वो भी ब्रिज लोडर में ही आता है, या फुल ऑटोमेटिक, वो भी ब्रिज लोडर ही कहा जाता है। मजल लोडर बंदूक अलग होता है, जो कि मजल इंड से उसमें बारूद वगैरह भरा जाता है, मोटार हुआ उसमें मजल इंड से गोला डाला जाता है। तो दो ही तरह का दुनिया में हथियार होता है, मजल लोडर और ब्रिज लोडर, इसमें कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी शॉटगन के लाइसेंस पर आपको जो लाइसेंस है उसी पर आपको पंप एक्शन मिलेगा। जो लोग भी आपको परेशान करता है, हमारी अपनी राय है, हम नहीं कहते हैं कि डंडा चलाइए। आप के यहां विजिलेंस डिपार्टमेंट होगा, जो घूसखोरी को रोकने वाला विभाग होता है, उसके यहां एक्ट लगा करके शिकायत कीजिए कि देखिए हमको परेशान कर रहा है और ये हमसे कुछ अदरवाइज चाहता है। विजिलेंस बढ़िया से उसका जो है सो तेल मोबिल लगा के ग्रीसिंग कर देगा, जिंदगी भर का आदत भूल जाएगा। जहां कहीं विजिलेंस हो, कहीं पर कोई डिपार्टमेंट करता है, मैंने घूसखोरी से रिलेटेड डिपार्टमेंट जो भी है उसको आप लिख के दीजिए कि एक्ट के बाहर जाकर के हमको परेशान करता है, और जबरदस्ती एक्ट की गलत व्याख्या करना यह भी अपराध है, संज्ञेय अपराध है। हम जो भी बात बोलेंगे कानून की बात बोलेंगे, जो संविधान और कानून ने आपको अधिकार दिया है उसके लिए आप लड़िए, कानून का पालन कीजिए स्ट्रिक्टली। इन लोगों का जो फिती बात है इसका इलाज बता दिए, आप विजिलेंस को लिखिए,
कहीं कहीं लोकायुक्त है, लोकायुक्त को लिखिए, वहां जज रहते हैं, उनको समझदारी रहती है, उनका इलाज कर देगा बढ़िया से, ग्रीसिंग कर देगा। तो आज के मैटर में इतना ही, अगले बार हम आपको एक न्यूसेंस एक नया और चला है कि राइफल क्लब के मेंबर को थर्ड वेपन जमा करना होगा, मतलब 0.22, ये एक न्यूसेंस चला है अभी दिल्ली से, ये और जगह फैलेगा, एक लेटर पर जो है सो ये हो रहा है, इस पर हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।